और इसमें पुलिस प्रशासन मिलकर के अपराधियों को बचा रहा है। अगर खेल बंद करे ये सरकार और इंसाफ दे इन लोगों को, नहीं तो इसके इंसाफ के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। विधवा हो गई, ये सरकार में बैठा पापी लोग क्यों नहीं इंसाफ देता है और क्यों नहीं उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाता है, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चला करके उसकी संपत्ति जब्त कर करके मुआवजा दे इन लोगों को। मारना पड़ेगा, उसका पापा यही थे गौतम के, अब बोला कि बेटा है, अब भोग लो चाय, अपने घर में आग लगा के अपने भागा। मेरा घर चल गया, मेरा घर में गरीब वाला है घर, मेरा चले तो किसका नहीं चलता। हमको डर लगता है सर साहब को, अपराधी अपराध भी करता है और अपने घर में आग लगा करके फंसाता है। छपरा में भी यही खेल हुआ, यहाँ भी वही खेल है और इसमें पुलिस प्रशासन मिल करके अपराधियों को बचा रहा है। आज बताइए ये बेचारी वो बेटी 6 महीने साल भर का बच्चा, 3-3 बच्चे को लेकर के विधवा हो गई, इधर एक विधवा हो गई। ये सरकार में बैठा पापी लोग क्यों नहीं इंसाफ देता है और क्यों नहीं उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाता है, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चला करके उसकी संपत्ति जब्त कर करके मुआवजा दे इन लोगों को। सदन के अंदर 27 तारीख को जो शुरू होगा सदन, सदन के अंदर इसका इसको जवाब देना पड़ेगा। ये अपराधियों की सरकार इस तरह से अगर जो जाति के नाम पर गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है, आज बताइए ये भी जादव समाज के हैं, शरीफ और सज्जन जादव को जीने का अधिकार नहीं है, और इस तरह का खेल बंद करे ये सरकार और इंसाफ दे इन लोगों को, नहीं तो इसके इंसाफ के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। 3 लोगों की मौत हुई है जंगल नदी पर बिहार में, पूरी तरह से ये जंगल राज नहीं है, गुंडा राज हो गया है, गुंडों के हवाले बिहार को डाल दिया गया है और ये व्यवस्था नहीं चलने देंगे। हर समाज के जो 95% अच्छे लोग हैं उसकी इंसाफ मिलना चाहिए, उसको शांति मिलनी चाहिए, और जो 5% से भी कम अपराधी है, ये गांजा माफिया, ये दारू माफिया इस तरह से समाज में अशांति फैला रहा और सरकार उसको संरक्षित कर रही है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। और यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी जो विनोद यादव एसआई है, जो खुल करके अपराधियों को बचा रहा है, उसको अविलंब इस हत्या के मामले में अभियुक्त बनावे और उसकी भी संपत्ति की जांच करके उस पर कार्रवाई हो। करते हैं।